नमस्कार, समय संध्या सात हवा को जाउछि आ प्राइम ओडिसा रे दिनर प्रमुख खबर से स्वागत करूछि मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आकु नबा किंतु प्रथमे देखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइन्स। पंचायत स्तर सजा बीजेपी पक्षर इस्तहार अभियोग पत्र जारी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ऊपर दलर फोकस सुदृढ़ कर मंडी व्यवस्था राज्यर आईन श्रृंखला को मुद्दा कर कांग्रेस जवाब रखिला बीजेडी बजेट पूर्व बड़ा आशा आईएमएफ आकलन 2022 रे 9% रेसर अभिवृद्धि हार आमेरिका चीन रूसिया भली बड़ा बड़ा अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे भारत पचरे पकाइबा नहीं आईएमएफ आकलन। बाजार में मिलेगा कोरोना टीका खुला बाजार में उपलब्ध है कोविशील्ड कोवैक्सीन डीसीजीआई पक्ष मिला शर्तमूलक अनुमति प्रति डोज दाम रुशी टंका केवल प्राप्त वयस्कों व्यवहार पर मिला मार्केट अप्रूवल। निरवत्ता भांगिले प्रसाद गणमाध्यम आगे कांदिले बेपारी खणी मालिक कथा कही निरंजन को मारे तेरछा बाण कहले राजनीति में थी अच्छी रही बेपारी डील करती नेता नुहे 2024 निर्वाचन लड़ी ना। साक्षरतार व्याख्या दृष्टिहीन सरपंच प्रार्थीपत्र नाकच ओडिया लेखि पढ़ी न पार पंचायत प्रार्थी होवु वंचित संतिलाल सबर न्याय पाई हेले हाईकोर्ट द्वारस्थ दिव्यांगों प्रतिवाद। एवं उपकूल उपांत पश्चिम दक्षिण सबुठी मंडी जंत्रणा मंडी व्यवस्था ऑडिट करिवे अकाउंटेंट जनरल जोगाण निगम को एजी चिठी पर जिला जोगाण अधिकारी तथ्य मागिला विभाग। पंचायत गणदखल पर सबु दलर जोरदार प्रस्तुति राजनैतिक दल आरंभ कर प्रचार और सबु भितरे राज्यवासी पाखरे पहुंचापी राज्य बीजेपी जारी करतहार पत्र और राज्य सरकार के दुर्नीति को नहीं रखी अभियोग पत्र सेपटे कांग्रेस राज्यर आईन श्रृंखला को नहीं बर्सी बेले जवाब रखी बीजेडी। पंचायत दखल पर समर सजा प्रचार आरंभ सह भोटरों पर बीजेपी जारी कला इस्तहार और सरकार को विरोध में दाखल कला अभियोग पत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास गांव विकास उपरे बीजेपी रो फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठाउथिबा अर्थ केमिति लूट न हेबो सेथिपई बीजेपी जगवाली साजिबो बोली घोषणा करिसेंती राज्य सभापति समीर महांति। समीर अभिषेक करिसेंती राज्य को आसुथिबा केन्द्रीय अर्थ हरिलुट हेउछि बीजेडी नेता लूट करुछंती विकास नारे जेई ठिकादार साजी अर्थ लूट करुछंती केन्द्रीय अर्थ हरिलुट हेउछि पंचायत रे जोटा मूल पिंड लोकंक सरकार पल्ली सभा ग्राम सभा को राज्य सरकार निजर निर्देश बल बंद कर दिया गला तो आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माध्यम जनप्रतिनिधि माध्यम ए कथा को आम निश्चित करने चाहूँ जे ग्राम सभा पल्ली सभा निश्चित रूपे आम करू एवं मोदी पठाउथिबा अर्थर आम संपूर्ण रूपे जगुआली हबु व्यापक अर्थ चतुर्दश अर्थ कमिशन हो डीएमए फंड हो ओम्बाडसी हो कांपा हो जो थे केंद्रीय अर्थ गुड़िक व्यापक मात्रा रे गांव को आसिला। आज बीजेपी राज्य कार्यालय रे वरिष्ठ नेतावारों उपस्थित रे राज्य सभापति समीर महांति जारी करिसेंती इस्तहार बीजेपी फोकस रे रहिछि गां ओ वार्ड रो विकास पंचायत रे ग्राम सभा पल्ली सभा हेबो मोदी पठाउथिबा टंकार
जगवाली हेबो बीजेपी पंचायत स्तर में व्यापक अर्थ लुट हेउची ताको बीजेपी आउ हेबाकु देबनी चतुर्दश पंचदश अर्थ डीएमएफ ओम्बारसी फंड अर्थर व्यापक हरिलुट को बंद करा मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करा जिवो महिला सशक्तिकरण करा जिवो प्रत्येक पंचायत में महिला द्वारा उत्पादित होता जिनस को बजार में बिक्री करा जिवो स्ट्रीट लाइट बर्ज्यवस्तु परिचालना उपरे गुरुत्व दिया जिवो बीजेपी आज इस्तहार जारी करथवा बेले खूब शीघ्र इस्तहार जारी हेबो बोली कहिछि कांग्रेस आउ कांग्रेस रो फोकस रे राज्य रो आयन सुकुला रहिबो बोली दल कहिछि आउ एहार जवाब रखिछि बीजेडी विकास नारे जेई को ठिकादार बनी बिजू जनता दल रो मुष्टिमेय कॉन्ट्रैक्टर ठिकादार साजी जो लुटिले तार से कथा आउ करि दिया जिवो नै भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि माने ताकू निश्चित रूपे जगुआली साजी मोदी पठाउथिबा टंका को जगुआली साजी लोकों काम रे ही लगेबे जदि आसीबो प्रथम आग आईन श्रृंखला सुदृढ़ करिबो जदि लोक माने हमको भोट दियंते दर दाम कंट्रोल करिबो जदि जनसाधारण भोट दियंते इस्तार रहिबो बेकार समस्या दूर करिबो तिरो सबबेले दिए जो मैनिफेस्टो कथा कहे से मैनिफेस्टो एथर मु काई भाबुजे ताक पई से लोक लोक जानी जाइछन्ते जे माने प्रतारणा करछन्ते एटा बोध हुए ताक पई शेष प्रतारणा बोलिकी से माने जानी परिबे आउ सबुटो बड जिनिस होची 4.5 कोटी ओडिसा बासी जानिछन्ते बिजु जनता दल ओडिसा रा उन्नति ओडिसा प्रगति एवं विकास संगरे अछि पंचायत निर्वाचन पई सरगरम राज्य राजनीति आउ परस्पर विरोध रे रणनीति करिबारे लागिछन्ते शासक ओ विरोधी भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांति और रोशन रथ को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बजेट पूर्व बड़ आशा आईएमएफ रो आकलन 2022 रे 9% रहिबा देशर अभिवृद्धि हार अमेरिका चीन रूसिया भली बड़ बड़ अर्थनीति को मध्य अभिवृद्धि रे भारत पछरे पकाइबा नै आईएमएफ आकलन करिछि। बजेट पूर्वरु बड़ आशा देशपाई खुशी खबर आईएमएफ रो आकलन 2022 रे देश रे अभिवृद्धि हार 9% रहिबो। कोरोना महामारी जुगु विश्व रे आर्थिक अभिवृद्धि रे मंदावस्था सत्वे यह 9% रहिबा नै आकलन करिछि आईएमएफ। चीन रो अभिवृद्धि हार 4.8% रहिथिबा बेले यहार दुई गुणा रे अधिक रहिबो भारतर अभिवृद्धि। बड़ कथा है विकसित देशगुड़िक जमीक आमेरिकार अभिवृद्धि हार 4% रहा नहीं आकलन करा बेले इंग्लैंड 4.1% एवं जापान अभिवृद्धि 3.3% रही आईएमएफ जहाँकि भारत अभिवृद्धि हार तुलन में बहुत कम। जो प्रकार भारत रिकवरी प्रोसेस आसूची जो प्रकार पॉलिसी चेंज आसूची विभिन्न प्रकार रिफॉर्म पदक्षेप सरकार तरफ नि आम आशा करवा जे भारत पुणी थरे हाई ग्रोथ पाथ रे आसीबो जोटा कि विकसित देश जेबली अमेरिका होंतु बा चाइना हो ता समकक्ष बा ताठरो अधिक ग्रोथ अचीव करि पारे। गत वर्ष अक्टोबर 2021-22 आर्थिक वर्ष रे अभिवृद्धि हार देशर जीडीपी रो 9.5% रहिबा नै आकलन करथिला आईएमएफ। कोरोना महामारी जुगु विश्वर अर्थनैतिक अभिवृद्धि धीमा रही पुणी अर्थनीति ट्रैक को फेरवा लगी विभिन्न देश अनेक पदक्षेप ग्रहण करसगुड़िकतायात कटक विभिन्न शिल्पानुष्ठान श्रम संकट देखादेवा फल यार प्रभाव अर्थव्यवस्था उपरे पड़ी या देखि विश्वर 190 देश को आर्थिक सुविधा प्रदान कर आईएमएफ आकलन कर 2022 रे विश्व अर्थव्यवस्था 4.4% हार में आगक बढ़ जहाँकि पूर्व अनुमान ठारु बहुत कम गत वर्ष यह 5.9% रहा नहीं आकलन करथिला आईएमएफ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एणिकी खोला बजार में मिल कोरोना टीका प्रति डोज्र दाम हेबो 275 टंका खोला बजार में उपलब्ध हेबो कोविशील्ड और कोवैक्सीन डीसीजीआई पक्षर मिली शर्तमूलक अनुमति केवल प्राप्त वयस्कों व्यवहार पर मिली मार्केट अप्रूवल। बजारे मिलिबो कोरोना टीका प्रति डोज रो दाम हेबो 275 टंका खोला बजारे उपलब्ध हेबो कोविशील्ड और कोवैक्सीन डीसीजीआई पक्षरु मिलिला शर्तमूलक अनुमति
केवल प्राप्त वयस्कंक व्यवहार पई मार्केट अप्रूवल। खूब शीघ्र बजारे उपलब्ध हेबाकु जाउची कोरोना विरोधी टीका कोवैक्सीन ओ कोविशील्ड। प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र ओ हॉस्पिटल रे कोरोना टीकाकरण करा जाउतिबा बेले एणिकी बजारे मिलिबो कोरोना टीका। आंटी कोविड टीका कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन रो प्रति डोज रो मूल्य 275 टंकारु अधिक हेबो नाही। अतिरिक्त सेवा चार्ज रो मूल्य 150 टंका लागू हेबो। बजारे बिक्री पाई डीसीजीआई उभय कोविशील्ड और कोवैक्सीन रो कंपनी को शर्तमूलक भाव में अनुमति मिलिथिबा नै आज सूचना मिली। तेबे वर्तमान पाई केवल प्राप्त वयस्कंक व्यवहार पाई ए बिक्री रो अनुमति दिया जाइछि। बहु शीघ्र समस्त वर्गर लोकमानक पाई मध्य अनुमति दिया जिवो बोली सूत्र प्रकाश पाइछि। सूचना अनुसार केन्द्र सरकार तरफ रु टीकाकरण को सुलभ करबा पाई मूल्य धार्य करबा दिगरे कार्य आरंभ करबाकु जातीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बा एनपीपीए को निर्देश दिया जाइछि। वर्तमान सुद्धा कोवैक्सीन रो डोज पिछा 1200 टंका थिबा बेले कोविशील्ड रो गोटिए डोज घरोई डाक्टरखाना रे 780 टंका रहिछि। एही मूल्य रे 150 टंका सेवा चार्ज मध्य अंतर्भुक्त होइछि। वर्तमान समय रे उभय टीका केवल देश रे जरूरीकालीन व्यवहार पई अनुमति प्राप्त। गत वर्ष सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रो कोविड 19 विशेषज्ञ कमिटी कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीका रो अनुमोदन करथिले। सेबेटारु कोरोना विरोधी लड़ाई रे प्रमुख अस्त्र भाबरे उभा होईची एई दुईटी टीका। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। प्राइम ओडिसा आगो को भी रहछ ना गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय छ गोटे छोटो विरति रो दीर्घदिनर निरवत्ता भांगिले प्रसाद हरिचंदन आज सांबादिक सम्मेलन में कांदी पकाइले कहिले राजनीति रे थिली अच्छी एवं रही बेपारी डील करती नेता नुहे 2024 निर्वाचन लड़बी नाही बेपारी खणी मालिकों कथा कही निरंजन को तेरछा बाण मारी प्रसाद। निरवता भांगिले प्रसाद गणमाध्यम आगरे कांदिले बेपारी खणि मालिक कथा कही निरंजन को मारिले तेरछा बाण खणि पाणी कोनोसी दुर्नीति रे नाही आज पर्यंत को स्कैम स्कैंडल आसिनी सेटा समान को पे असह्य कर आउरी असह्य कर होची मो निरवता मु दलर स्वार्थ पाई लोक स्वार्थ पाई नीरव रहुथिबारु नहले बहुत लोकंकर बहुत गुमर खोली जानता काहें कि सत्यवाद रे प्रार्थी देई पाला नाही कांग्रेस संगठन नथिला ना टिकट देबारे विलंब हला। एभले किछि प्रश्न भितरे पूर्वतन पीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन को टार्गेट करा जाउथिबा बेले आज मुह खोलिछन्दि प्रसाद। ब्लॉक और पंचायत रे कांग्रेस रा कमिटी नथिबा कथा कही परोक्ष रे दलर सभापति निरंजन को मारिछन्दि बाण एपरिकि वर्तमान कांग्रेस विरोधी सह लड़ा बदल में निज दल नेता बिहो सह लड़ुची बोली कहते प्रसाद लड़े बीजेडी सांगे बीजेपी सांगे जहाँ आम कर कांग्रेस लोक सजे दिजो बिहो करते अन्य पाए मोर अन्य सामर्थ्य ना मोर खणी ना कि खबरकगज ना मोर टा ना कि टीवी ना सत्यवाद जिला परिषद पाई कांग्रेस टिकेट दे नपर पछरे डील चर्चा को खंडन कर दलर सभापति दायित्व उपर प्रश्नचिह्न लगे प्रसाद निज ना आसी डील को प्रमाणित करने से चैलेंज कर तेब से दल अच्छा और रही है बोली कही भी 24 निर्वाचन लड़े ना बोली रोकठोक शुणाई एपटे प्रसाद प्रतिक्रियार जवाब रखी निरंजन नेतृत्व में दल ने सबकि ठीक ठाक चलता कथा कहते वरिष्ठ कांग्रेस नेता आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र जे मु राजनीति रु दूरेनी मु राजनीति रे थिली अच्छी एवं रही मु बेपारी नुहे डील करी मु काम करी प्रचार करी रही दल पाई किंतु 2024 निर्वाचन साधारण निर्वाचन लड़बी ये समय रे प्रदेश कांग्रेस सभापति थिले सी जदि तरफ ये दौ था निश्चित भाव दल पर निश्चित क्षति हम ओडिशार जनगण
विशेष माने जो माने कांग्रेस को भलो पांती से माने समस्त को परीक्षी चंती कहा को कहा कथारे किए भासी जीवो बा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कही देले जे तांको कथा को लोके गुरुत्व दे देबे ये कथा भी भाबीबा भूल राज्य कांग्रेस चलीथिबा अंतकंदळ एबे दांडरे गडुची केतेबेले पीसीसी सभापति को हटाइबा को योजना चालुची ता आउ केतेबेले निज विरुद्ध रे चक्रांतर आखेपाणी नेता कांदुची जहार सीधासळख प्रभाव तृणमूल स्तर कर्मी और निर्वाचन उपरे पड़ुची। नजर पकांतु राज्य रे कांग्रेस स्थिति उपरे 1995 सरकार थिला कांग्रेस 2000 मसीह रे हारिला 2009 कांग्रेस 33% भोट 14 29 और 19 3 नंबर स्थान को खसिबा सह भोट हार मध्य कमी 17% रे पहुंची थिला। विगत किछि वर्ष रे अनुसूचित उपनिर्वाचन रे अमानत बंचाइबा तो दूर कथा 2-4% भोट्रे सीमित रही दल चलित पंचायत निर्वाचन में दल अस्तित्व न रखिपारे आसंता साधारण निर्वाचन में दलर अवस्था जे आहुरी खराब न होब एथिरे संदेह नहीं। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन टुना मंडल रोशन नाथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दृष्टिहीन सरपंच प्रार्थी प्रार्थीपत्र नाकच ओडिया लेखी और पढ़ी जाणिनथिबा कहि नाकच कर दिगला प्रार्थीपत्र न्याय हाइकोर्ट द्वारस्थ हेले नुआपड़ार शांतिलाल सबर एवं प्रश्न उठू जदि प्रशासनिक सेवार दृष्टिहीन जोगद पार्टी राजनैतिक क्षेत्र में कहीं नुहे दिव्यांग विरोधी राज्य सरकार साक्षरतार भूल संज्ञा ओडिया लेखि नपार पंचायत प्रार्थी होवर वंचित हेले दृष्टिहीन न्याय पाई हाइकोर्ट द्वारस्थ राज्य सरकार साक्षरतार संज्ञा अजब ब्रेली रे पाठ पढ़ी दृष्टिहीन कौन शिक्षित नुहे कि राज्य सरकार प्रशासनिक सेवार जोगद पार्थ्वा शिक्षित दृष्टिहीन राजनीति में कहीं नुहे एमती किसी प्रश्न सह हाइकोर्ट द्वारस्थ होती नुआपड़ा जिला गंडामे पंचायतर दृष्टिहीन शांतिलाल सबर चलित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सरपंच भाव नामांकन दाखल करते किंतु ओडिया लेखि नपार प्रार्थीपत्र नाकच हो जाए ब्रेली में पाठ पढ़ी शांतिलाल न्याय पाई हाइकोर्ट को द्वारस्थ होती मतलब नहीं कटवार कथा के हालत में जेहतु ब्रेली गोटे इंटरनेशनल भाषा आती नि सुजोग देवा कथा मुझे निर्वाचन कमिशनर के भी विषय कही से मत निराश कर आईन रे तुम लगे लड़वा लगी पंचायत आईन रे से प्रकार सुजोग नेना तुम कोर्ट रश्रय नियो कौन मुई कोर्ट रश्रय नहीं चे कोर्ट जेहतु छुट्टी तो लेखिकर सब दिखे वकिल के गोटे दिन में पिटिशन करेंगे बोली से कही शांतिलाल अंध जे देखा लगे ना आज्ञा आम पंचायत पार्टी आम बासीलु आर एक देखला टा मान तो आज्ञा आंके दि बोलछन हमने छक भड़े कर खे दौन आज्ञा पंचायत उन्नति हो बोल कौन है लगे आज्ञा आम शांतिलाल के आम भल भाव कर जितई देव बोल आम भावना ये सरकार भी यार के कटे दीछन जे आज्ञा से सरकार भी अंध है। नुआपड़ा जिलार जड़े मात्र दृष्टिहीन सरपंच प्रार्थी थे शांतिलाल सबर योग्यता मैट्रिक किंतु ओडिया लेखिपढ़ी नपार जनसेवु वंचित शांतिलाल दृष्टिहीन परीक्षा देवाई जड़े राइटर निजुक्ति होता बेले पंचायतराज नियम एभली आईन पर आज जड़े शिक्षित दृष्टिहीन प्रार्थी निजर मौलिक अधिकार वंचित पंचायत नियम संशोधन दाबी करिछंती से पिला भल्टाए जे से माने सरपंच ने उठी थे जेहेतु से मान के आम भोट गोटे देमु बोल कर खूब आशा करके कटनी काटी देछन से जदि सरपंच ने उठी थे आम ताकि जितई थे से किसी किसी आम गाँ लोक के पंचायत के गणामेर पंचायत के किसी किसी सहयोग करबे बोली आम खूब आशा थी भल पढ़ा लेखा लोक आउ से इन्हें ठिया होते भल ही दीता समस्त तो हेन्ता अधिकार अच्छे आउ ये भी अधिकार पाया कथा बोले आम कहूँ भिन्नक्षम बोलिकी ओडिया लेखिपढ़ी नहीं जानवर बोलिकी प्रार्थीपत्र नाकच करदे गोटे भिन्नक्षम व्यक्ति कारण अधिकार नहीं ना लोक प्रतिनिधि हबार लगी गणतांत्रिक पद्धति रे तार भी सांविधानिक प्रदत्त मौलिक अधिकार अच्छे तार द्वारा तार मौलिक अधिकार क्षुण्ण है। शांतिलाल केवल निर्वाचन लड़ू नथिले राज्यर सबू भिन्नक्षम प्रकारांतर में प्रतिनिधित्व करुथिले प्रश्न उठू जदि दिव्यांग को राज्य सरकार अग्राधिकार देउछंती डिंडीमो पिटुछंती राजनीति क्षेत्र में यह व्यतिक्रम कहीं साक्षरता संज्ञा भिन्नता कहीं। नुआपड़ारु कैमेरा पर्सन चंद्रशेखर युधिष्ठिर पटेल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
मंडी एडिट करिवे एजीबा अकाउंट जनरल मिलर का मनमानी रु आरंभ करी केउ मंडी केते दिन खोलिला ओ केउ ठीक के भली भित्तिभूमि अछि एपर 24 टी पॉइंट रो हेबा ऑडिट एने अकाउंटेंट जनरल जोगाण निगम को चिट्ठी लेखिबा परे बढ़ी छि राज्य सरकार को चिंता। जोगाण निगम सबु जिला जोगाण ऑफिस रे मागी छि तथ्य देखिबा अर्गस रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उपांत पश्चिम रु दक्षिण सबु टीम मंडी जंत्रणा आउ एबे मंडी अव्यवस्थार ऑडिट करिबे अकाउंटेंट जनरल। जोगाण निगम को एजी चिट्ठी देबा परे 24 तारीख रे जोगाण निगम सबु जिला जोगाण अधिकारी को चिट्ठी लेखि तथ्य मागिछि। धान किणारे एथर केते बैग्स लैंप्स महिला एसएजी केते मिलर आरएमसी अंश ग्रहण करिसेंति तथ्य मागिसेंति एजी। सरकारी धान किणा संस्था भित्तिभूमि सजाड़ा पाई टंका पाइबा परे वास्तव में केते टंका खर्च करिसंती मंडी रे गोदाम सुविधा अच्छी कि नहीं धान संग्रह केन्द्र को तारपोलिन पॉलीथिन जोगाई दिया जाय छि कि नहीं धान संग्रह केन्द्र रे बसिया पाई स्थान पीवा पानी शौचालय व्यवस्था अच्छी कि नहीं ए सब तथ्य मागिसंती एजी। यह सह धान रो मान निर्णय पाई की व्यवस्था रही छि केते मंडी खोलिछि चासी केते बाटरु धान आणुछंती एमिति 24 टी प्रश्न को नै तथ्य देबे जोगाण निगम। कोनोसी मंडी रे जेते गुडे सुविधा देबार कथा सब प्रकार सुविधा केनसी मंडी रे आमे देखबा के नै पाइबा आरंभ रु आमे जे दाबी करू जो मंडी सुदृढ़ता जदि नै हेले चासी तार उचित मूल्य नै पाइ पारे बोली करी ओडिसा सरकार केवल खाली भक्सपट मारु जो आ मंडी व्यवस्था के सुदृढ़ नै करबा। आजि ऑडिटर जनरल ऑफिस रु गुडे चिट्ठी आइछे जे ओडिसा रो सब मंडी ऑडिट हेबा बोली केन्द्र सरकार तरफ ऑडिटा मंडी व्यवस्था ठीक ना बोल से रिपोर्ट देते आज जेन ऑडिटर जनरल जेन चिट्ठी बोली जन से चिट्ठी रे ओडिशा सरकार जेन बासपोर्ट मारुले आज धरा पड़वा। जोगाण विभाग रिपोर्ट अनुसार राज्य में 15 जिले में मंडी ना मुख्यमंत्री जिला गंजाम जिले में आज पर्यंत धान संग्रह सब प्रकार सुविधा थिबा गोटे भी धान मंडी निर्माण कर राज्य आरएमसी केवल 294 मंडी रही राज्य आरएमसी परिचालनार 3,365 केन्द्र में धान संग्रह प्रक्रिया जारी रही किंतु ए 2026 क्रय केन्द्र निजर गोदाम 2,582 पिंडी भली सर्वनिम्न सुविधा ना वर्तमान धान क्रय प्रक्रिय महिला चाषी भागीदार बढ़ी एसएचजी सदस्य धान संग्रह करुले भी एम शौचालय ना सरकारी हिसाब अनुसार राज्य में 869 क्रय केन्द्र में शौचालय ना 239 केन्द्र में बसवा को स्थान ना 126 स्थान में पानीय जल 187 केन्द्र में इंटरनेट सुविधा 961 केन्द्र में निजस्व जमी ना सब भितर मिलर को मनमानी रे धान किणा चली। आज जो चाषी हंतसंत धान बिक्री करने केवल से दायी होती ओडिशा सरकार कहले दुख लगुची जे मंडी रे बसवा पाई जगह ना पा पीवाई ना पा बाथरूम टे भी ना एवं गच्छित रखापी जो गोडाउन रहा कथा धान रहा आदू ना कौन सी प्रकार भित्तिभूमि 22 वर्ष भितर नवीन पट्टनायक सरकार विजु जनता दल सरकार तैयारी पारा ना धान किणा बिकारे अचल अवस्था मसाधिक काल धान चाषी मंडी में पड़ी वर्षार धान गजा हो गला। केन्द्रीय टीम गत वर्ष राज्य में मंडी भित्तिभूमि तदंत कर 70 पृष्ठार रिपोर्ट सरकार मुखा खोली ब्यूरो इनपुट संबलपुर सुरेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगे भी रही प्राइम ओडिशार समय आउ एक छोट विरोध आजठार पुणि यूट्यूब्रे पाठपढ़ा आरंभ हो प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत यूट्यूब्रे पाठपढ़ा हो राज्यर सबु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दि जाए तेज प्रश्न उठू जे उपांत अंचल छात्र छात्री पढ़े केमती कारण पूर्व राज्य में फेल मारी सारी अनलाइन शिक्षादान पुणि आरंभ है यूट्यूब पाठपढ़ा प्रथम दशम श्रेणी छात्र छात्री लाइव स्ट्रीम पढ़े पाठ ऑनलाइन क्लास को अपलोड करेंगे शिक्षक। कोरोना 2021-22 शिक्षा वर्षर पाठपढ़ा ब्याहत हो
ତିନି ମାସ ଗଡ଼ିଲାଣି ଏଯାଏଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରିନି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ପୁଣି ଏଥର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଘଟଣାଂଶ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି 1-8 ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ତ କରାହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ FLN କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 90% ପିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ 10% ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭର ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ରହୁନି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ତେଣୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଂଘ କହିଛି। ଅଷ୍ଟମରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦାବି ଦୋହରାଇଲା ସଂଘ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିଲକୁଲ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 8-12 ଏବଂ UG-PG ଖୋଲିକି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, 1-7 ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, 3 ପରେ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ 9 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା 10:45 ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଯେହେତୁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।